हाय गाइस, आई एम रॉब और आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक जातक कहानी जिसका नाम है सॉल्यूशन। सो हियर गोज। बहुत साल पहले एक पार्ट्रिज समझते हो ना, यानी कि तीतर, एक ऐसी चिड़िया जो बहुत खूबसूरत होती है, और वो एक पेड़ के सुरक्षित छेद में रहता था अपने नेस्ट में। और जिस पेड़ में ये पार्ट्रिज रहता था वहां धीरे धीरे खाना खत्म हो गया, इसलिए उसने अच्छे खाने की तलाश में अपने नेस्ट से कहीं और जाने का फैसला किया। धीरे धीरे पार्ट्रिज बहुत दूर उड़ गया और फिर उसको एक बहुत बड़ा हरा भरा गार्डन मिला, और यहां पर पार्ट्रिज को भर पेट खाना मिला, इसलिए उसने यहीं पर रुकने का फैसला किया। पार्ट्रिज खूब खाता और सो जाता। धीरे धीरे अब वो मोटा भी होने लगा। पार्ट्रिज के घर को खाली देखकर एक खरगोश ने उसको अपना ठिकाना बना लिया और वहां मजे से रहने लगा। फिर एक दिन पार्ट्रिज को अपने पुराने घर की याद आई और उसने वापस जाने का फैसला किया। पार्ट्रिज उड़ते उड़ते अपने घर के पास वापस आया, लेकिन उसने देखा कि एक खरगोश उसके घर में ऑलरेडी सोया हुआ है। पार्ट्रिज डर गया, लेकिन फिर हिम्मत करके उसने खरगोश को जगाया और वहां से जाने के लिए कहा। तो खरगोश बोला, ये तो मेरा घर है, तुम कौन हो? ऐसा सुनकर पार्ट्रिज को गुस्सा आ गया और गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगा। और फिर क्या हुआ, थोड़ी ही देर में दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। दोनों काफी देर तक लड़ते ही रहे, और जब थक गए तो उन्होंने सोचा कि लड़ाई से किसी भी बात का सलूशन नहीं निकल सकता है, इसलिए किसी तीसरे से इस बात का सलूशन पूछते हैं। सलूशन समझते हैं ना, सलूशन मतलब उपाय। और सलूशन पूछने के लिए सबसे पहले उन्हें एक शेर मिला। जब शेर ने पूरी बात सुनी तो उसने कहा, इसका सलूशन मेरे पास नहीं है, तुम आगे किसी और से पूछो। दोनों ने मिलकर एक एक करके कई जानवरों से पूछा, भाई आप ही बताइए कि इस घर में किसे रहना चाहिए, तीतर या फिर खरगोश। लेकिन कोई भी उन्हें उपाय नहीं दे पाया। अब इतना वक्त साथ बिता के एक साथ आर्ग्यूमेंट और बातें करते करते उन दोनों की स्लोली स्लोली फ्रेंडशिप भी होती जा रही थी, लेकिन सॉल्यूशन तो बिल्कुल जरूरी था, इसलिए वो लोग और आगे बढ़े। और फाइनली रास्ते में उन्होंने देखा कि एक कैट जोर जोर से चिल्ला रही थी। दोनों उसके पास गए और उसका हाल पूछने लगे। कैट ने कहा, मैं चल नहीं सकती, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, तुम दोनों एक साथ क्यों घूम रहे हो? पार्ट्रिज ने अपना पूरा किस्सा बिल्ली को सुनाया। बिल्ली हंसकर बोली, अरे इसका सलूशन मेरे पास है, आप दोनों मेरे नजदीक तो आओ। दोनों नजदीक गए तो बिल्ली ने बोला, नहीं और नजदीक आओ। तब दोनों को शक हो गया, उनको लगा कि बिल्ली शायद उनका शिकार करने का सोच रही है। वो सोच ही रहे थे कि बिल्ली उन पर झपट गई, लेकिन वो दोनों जल्दी से दूर हट गए। दोनों को समझ आ गया कि बिल्ली उपाय देने की बजाय उनका शिकार करने वाली है, और बिल्ली फिर खरगोश पर झपटी, लेकिन पार्ट्रिज ने उड़ते उड़ते बिल्ली को अपनी चोंच से घायल कर दिया। और जब वो पार्ट्रिज की तरफ भागी तो खरगोश ने एक लकड़ी से बिल्ली को डरा दिया। अब दोनों एक साथ बिल्ली से लड़ने लगे और दोनों ने मिलकर बिल्ली को हरा दिया, और फिर थक कर दोनों अपने उसी घर वापस आ गए। शुक्र है उनकी जान बच गई, और अब उन्होंने सोचा कि इस बात का सिर्फ एक ही सलूशन हो सकता है कि दोनों मिलजुल कर एक साथ एक ही घर में रहें, और फिर वो हमेशा के लिए अच्छे दोस्त और अच्छे रूममेट्स बन गए। हाउ इंटरेस्टिंग ना? सो फ्रेंड्स, नाउ टाइम इज फॉर मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? इस स्टोरी से हमने सीखा कि किसी भी टॉपिक या किसी भी बात का सलूशन कभी भी लड़ाई से नहीं निकलता है, इसलिए हमेशा
हर टॉपिक को सॉल्व करने के लिए आपस में बैठकर बात करें, सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। ओके बाय गाइस, आई विल मीट यू सून विथ अनदर स्टोरी, एंड लाइक आई ऑलवेज से, डू गुड एंड बी गुड, पीस।